बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान बीमित फसल खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंतु सिंह। हमारा देश विकास की राह पर तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हम आप किसानों तक पहुंचाएं, ताकि आप उनका उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। बदलते दौर के साथ बाजार भी बदल रहा है और आज के समय में उपभोक्ता ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। ऐसे में हमारे किसान मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग भी बाजार में लगातार बढ़ रही है। लेकिन मशरूम के साथ समस्या ये होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण इसका एक रास्ता है। मशरूम का प्रसंस्करण कर इसमें मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मशरूम अब हमारी खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन गया है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन करीब 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं, फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है और हमारे भोज्य पदार्थ हम तक आसानी से पहुंचते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे मशरूम प्रसंस्करण के बारे में। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85-90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। मशरूम की फसल छिद्रयुक्त संरचना होती है, जिसके कारण इसमें श्वसन तेजी से होता है और आसानी से कीटाणु इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इनके जल्द खराब होने की आशंकाएं बढ़ना लाजमी है। कभी कभी मशरूम उत्पादकों को इस वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है और मशरूम को ज्यादा दूरी वाले इलाकों में पहुँचाना भी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में कुछ उपाय हैं जो मशरूम की आयु को बढ़ा सकते हैं, जैसे मशरूम की तुड़ाई करते समय फलन को हल्के हाथ से घुमा कर निकालें, मशरूम को काटते समय मिट्टी लगी जड़ को चाकू से काटें, कटे हुए मशरूम को 0.25% पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइड के घोल में भिगोएं, इस तरह भिगोए मशरूम को पंखे की हवा में हल्का सुखाएं, पैकिंग करते समय पैकेट में छेद करें, इन छेदों से पैकेट के अंदर की गर्मी बाहर निकल सके, बाजार में भेजने वाले पैकेट में 5% छिद्र करें, भंडारित करने वाले पैकेट में 0.5% छिद्र करना चाहिए, परिवहन के दौरान ऐसे वाहन का चुनाव करें जिसमें तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा मशरूम को खराब होने से बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय है मशरूम का प्रसंस्करण करना।
इस विधि में मशरूम को सुखाकर लंबे समय तक भंडारित कर उपयोग किया जा सकता है। मशरूम को प्रसंस्कृत कर बनाए जाने वाले उत्पाद मशरूम पाउडर, मशरूम से बने कुकीज, मशरूम पापड़, मशरूम अचार, मशरूम की बढ़ियां, मशरूम के चिप्स देश के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादन भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही आय में इजाफा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से मशरूम का प्रसंस्करण कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे सीप पालन या फिर कहें मोती की खेती के बारे में। जी हाँ, मोती की बात करें तो ये एक प्राकृतिक रत्न है और हमारे देश में इसकी मांग लगातार बनी रहती है और हमारे किसान मोती की खेती करके निर्यात भी इसका कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि हमारे किसान इसकी ट्रेनिंग लें ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो और सफलतापूर्वक मोती की खेती कर सकें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारे किसान मोती की खेती कर सकते हैं, देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने सवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं।
मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है। तो भी आपने जाना मोती की खेती के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे पशुपालकों के लिए जरूरी है ताकि उनके पशु स्वस्थ रहें। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान की। बदलते समय के साथ बहुत सारी चीजों में हम सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं और उन्हीं में से एक है कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। जी हाँ, आज के दौर में बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो कि पूरी तरह से कृषि से जुड़ी हुई हैं और सफलता भी हासिल कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और लगातार परिश्रम करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। तो आइए देखते हैं आज ऐसी ही कामयाब महिला की कहानी। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा हर कदम पर पुरुषों का साथ दिया है। इसके बावजूद भी कृषि में पुरुषों के योगदान को ही याद किया जाता है, जबकि खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। यही वजह है कि अथक प्रयास और नई तकनीक के तालमेल ने खेती को अलग ही मुकाम पर पहुँचा दिया है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज की महिलाएं कृषि में अपने सफल सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। रूबी पिछले 13 साल से खेती में अपना सहयोग दे रही हैं। वो बताती हैं कि साल 2004 में जब उनका विवाह हुआ तब खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ससुराल में आजीविका का मुख्य आधार खेती ही था। इसी आधार में रूबी भी धीरे धीरे भागीदार होने लगी और छोटे छोटे खेती के कार्य करने लगी, जिससे परिवार की मदद तो हो ही रही थी, साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ रही थी। यहाँ पे आई, यहाँ पर सब लोग खेती करते थे और मेरे पति भी इन खेतियों से जुड़े हुए थे, किसान हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी इसमें हेल्प करूँ। मेरी एक मानना था कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है। ये छोटी सी मदद कब रूबी का ध्येय बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी बढ़ती रुचि को और निखारने के लिए रूबी नई नई जानकारियां इकट्ठी करने लगी। इसके लिए रूबी कृषि बैठकों का भी हिस्सा बन गई और साल 2008 में खेती के प्रति उनका नजरिया बदला, जब कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने आकर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती को तो जाना ही, साथ ही रसायनों के दुष्परिणाम के बारे में भी उन्हें पता चला। इसके बाद रूबी और उनके पति ने निश्चय किया कि वो जैविक खेती को भी अपनाएंगे और बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। बहुत सहयोग किया, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर आए थे उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको जैविक खेती करने के लिए एक वहाँ पर केवीके में पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, उन्हीं की सलाह से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ। साल 2008 में रूबी ने अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। हालांकि वो जानती थी कि शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धीरे धीरे पैदावार में और गुणवत्ता में इजाफा हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस समय रूबी अपने 20 बीघा खेत में हर तरह की फसलें ले रही हैं। मैं हमारे यहाँ पर 20 बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें से जो सरसों है, गेहूं है, चना है, और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है, और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां लगा रखी है। रूबी ने न सिर्फ जैविक खेती शुरू की बल्कि जैविक खाद बनाना भी सीखा और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद जीवामृत बना रही हैं। गांव वालों के तो सबके घर में जो पशु रहते हैं, तो अपन उस गोबर की खाद बनाकर अपन खेत में यूज ले सकते हैं। हर्बल स्प्रे, कीटनाशक दवाइयाँ, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ये सारी चीजें जीवामृत अपन घर में बनाकर अपनी जो खेती में देंगे, तो वो उससे फसल भी उपजाऊ होगी, अपने शरीर में कोई नुकसानदायक नहीं होगा, कोई कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। अपने पति की मदद से रूबी ने करीब 200 मीट्रिक टन केचुआ खाद बनाने के लिए एक इकाई तैयार की है। इस इकाई के कारण ही आसपास के किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। वो बताती हैं कि इस इकाई को शुरू करने में नाबार्ड से काफी सहायता मिली। जो खाद को ले जाकर वो जैविक खेती करते हैं, उनसे यहाँ आसपास के लोग और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो तो प्रभावित तो हो ही रहे हैं, और उससे अलावा हमारे जो एफएओ के 2000 जो सदस्य है उसमें से 1000 सदस्य जो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खाद इकाई के साथ ही रूबी ने अजोला उत्पादन इकाई भी तैयार की है,
जिसे पशु आहार के लिए उत्तम माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पशु का विकास तो सही होता ही है, साथ ही इसे दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। मैंने जो ये यूनिट लगा रखी है उसमें जो हम 2 इंच तक की मिट्टी डालते हैं, इसमें फिर पानी भरते हैं और उसमें फिर अजोला को छोड़ देते हैं। इसका पानी जो अजोला है इसमें 3 महीने तक ये अजोला खराब नहीं होती है और ये 3 महीने तक हम रोज प्रतिदिन इसमें से 1 किलो अजोला रोजाना अपने पशु को दे सकते हैं और इसको जो पशु को खिलाते हैं उस पशु का दूध बढ़ता है, उसको उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो इसकी मिट्टी और जो पानी है वो अपने जैविक खेती करने में बहुत उपयोगी है। जैविक खेती के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए रूबी को भारत और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। बदलते दौर में महिलाओं ने खुद को काफी सशक्त किया है, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र, महिलाएं अपने सकारात्मक प्रयासों से खुद का और समाज का भविष्य संवार रही है। तो ये थी हमारी आज की महिला किसान की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप भी जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।